हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है रॉक्स। इसमें आज हम इग्नियस रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। रॉक क्या होता है? जो अर्थ की क्रस्ट का सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रॉक्स। ज़्यादातर जो रॉक्स होती है वो दो या दो से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनी होती है। अब जो सेम टाइप की रॉक होती है उसमें जो मिनरल्स का प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रहता है, कभी भी सेम प्रोपोर्शन नहीं होता मिनरल्स का। रॉक्स जरूरी नहीं कि हार्ड रॉक्स ही हो, कुछ रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स भी होती है। रॉक से हमें बहुत सारी मिनरल्स मिलते हैं। जो रॉक्स होती है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन उनको हम थ्री मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आती है इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। सेकेंड आती है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड आती है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बुक में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। एंटीक्लाइन एंड सिंकलाइन। एंटीक्लाइन होता है कन्वेक्स अपफोल्डिंग रॉक, उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। अब जो रॉक्स होती है उसमें कुछ ऐसा बना होता है जो अपफोल्डिंग होती है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो डाउनफोल्ड होता है उसको बोलते हैं सिंकलाइन। और एक इमेजिनरी लाइन जो दो एंटीक्लाइंस को आपस में जोड़ती है उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं क्रेस्ट लाइन। राइट, अब शुरू करते हैं इग्नियस रॉक्स। अब जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उस टाइम पे जो हॉट लावा अर्थ के सरफेस पे ऊपर बाहर आ जाता है, तो बाहर आकर क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो एक रॉक की शेप में बन जाता है, एक प्रॉपर रॉक बना देता है। अब कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है उसको मैग्मा भी बोलते हैं, और वो क्या होता है, वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही कभी कभी ठंडा हो जाता है, अर्थ की क्रस्ट के बाहर नहीं आता। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर वो रॉक बनानी शुरू कर देता है। अब ये जो दोनों टाइप्स की रॉक होती है, एक तो हॉट लावा बाहर आ रहा है, जो हॉट मटेरियल बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं लावा, जो हॉट मटेरियल अंदर है उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, अब एक तो हॉट लावा बाहर निकलकर रॉक बना रहा है, एक मोल्टन मटेरियल लाइक मैग्मा वो अंदर ही रॉक बना रहा है। ये जो दोनों टाइप्स की रॉक होती है इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। अब जब फर्स्ट टाइम अर्थ का सरफेस बना था, अब उस टाइम पे अर्थ क्या थी, अर्थ एक हॉट लिक्विड स्टेट में थी, तो धीरे धीरे वो ठंडी होकर सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई। तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल रॉक थी अर्थ के क्रस्ट की वो बनी थी, और उस जो ओरिजिनल रॉक थी उसको बोलते हैं प्राइमरी इग्नियस रॉक, जो कि आज की डेट में देखने को नहीं मिलती। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो जनरली हार्ड होती है, ग्रेनुलर होती है। इग्नियस रॉक्स में कोई लेयर्स नहीं होती, इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते। अब इतना गर्म लावा बाहर आ रहा है तो फॉसिल बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसमें। तो इग्नियस रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो अर्थ के सरफेस के अंदर भी होती है और अर्थ के सरफेस के बाहर भी होती है। अब जो रॉक बनती है, जो मोल्टन मटेरियल है, वो जो अर्थ के सरफेस के अंदर ही ठंडा होकर रॉक बनती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसकी एग्जांपल आ जाएगी ग्रेनाइट एंड गैब्रो। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है वो होती है क्रिस्टलाइन रॉक्स। कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मैटर है वो अर्थ की क्रस्ट के क्रैक्स के थ्रू बाहर आता है, बाहर आकर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होकर जो रॉक बनाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसकी एग्जांपल्स आ जाएगी ऑब्सीडियन एंड बसाल्ट। अब जो हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है वो बना हुआ है बसाल्ट रॉक का। अब ये वाली जो रॉक्स होती है इसमें सिलिका होता है 40 से 80% तक, और इसके अलावा कुछ परसेंटेज फेल्सपार की भी होती है, मैग्नीशियम की होती है, आयरन की होती है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स की और एग्जांपल्स आगे लाइक ग्रेनाइट हो गया, प्यूमिक स्टोन हो गया, बसाल्ट हो गया और गैब्रो। अब क्या होता है, जो इग्नियस रॉक्स बनती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, वो अर्थ के सरफेस के अंदर भी अलग अलग शेप्स में लावा जो होता है वो ठंडा होता है। अब उन शेप्स के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि बाथोलिथ हो गया। बाथोलिथ क्या होता है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ही है, लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बीनीथ द अर्थ सर्फेस बाई इंट्रूसिव एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अर्थ के सर्फेस के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो रहा है। ये होते हैं कॉमनली
कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स, मतलब कि इसके रॉक्स का जो पार्टिकल साइज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। इसका जो सरफेस एक्सपोजर होता है वो रहता है 100 स्क्वायर किलोमीटर और इससे भी बड़ा, लार्जर। तो बाथोलिथ क्या है, सॉरी, तो बाथोलिथ क्या है, बाथोलिथ अर्थ के सरफेस के अंदर ही लावा ठंडा हो रहा है और बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। वो जो वेल नोन बाथोलिथ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, साहरा नेवाडा रेंज ऑफ कैलिफोर्निया यूएस में। अब जो इदाहो बाथोलिथ है वो एक जियोलॉजिक फॉर्मेशन है और ये कवर करता है बॉयस नेशनल फॉरेस्ट का 90% पार्ट। अब इससे भी एक बिगर बाथोलिथ है जिसका नाम है कोस्ट रेंज बाथोलिथ, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता ही है। अब ये रहा बाथोलिथ, अर्थ के सरफेस के अंदर ही लावा ठंडा हो रहा है बट ये बहुत सारा पार्ट कवर कर रहा है। ये क्या है, एक प्लूटोन है। अब प्लूटोन दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत सारा एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। जब प्लूटोन बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा तो उसको बोलेंगे हम बाथोलिथ। नेक्स्ट है स्टॉक्स। अब वही बात है, जो प्लूटोन्स है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं उसको बोलते हैं बाथोलिथ। अब जो प्लूटोन 100 स्क्वायर किलोमीटर जहाँ उससे लार्ज का एरिया कवर करते हैं वो हो गए बाथोलिथ, जो 100 स्क्वायर किलोमीटर जहाँ उससे कम का एरिया कवर करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक्स। मतलब कि जो बाथोलिथ है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर के होंगे या उससे ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। अगर कोई प्लूटोन 100 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा है तो उसको बोलेंगे स्टॉक्स। होते ये दोनों प्लूटोन्स ही है, प्लूटोन्स को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। बड़े एरिया को बोल दिया बाथोलिथ और छोटे एरिया को बोल दिया स्टॉक्स। नेक्स्ट आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, ये भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ही है और ये दो स्ट्रेटा को स्प्लिट करता है। ये क्या है, एक डूम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यूजली हॉरिजॉन्टल होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का जो फ्लोर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। लैकोलिथ क्या है, ये स्टॉक से भी छोटे साइज का होता है। यूजली जो इसका साइज होता है वो 16 किलोमीटर से भी छोटा होता है, 16 किलोमीटर के डायामीटर से भी छोटा होता है। जो इसकी थिकनेस रहती है वो होती है फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ मीटर टू फ्यू थाउजेंड मीटर्स। नेक्स्ट आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ है कंकॉर्डेंट लेंस शेप्ड प्लूटोन, ये भी एक प्लूटोन ही है, कंकॉर्डेंट लेंस शेप का होता है और ये ऑक्यूपाई करता है क्रेस्ट ऑफ एंटीक्लाइन एंड ट्रफ ऑफ सिंक्लाइन। अभी हमने पढ़ा था ना ऐसे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बनते हैं, तो एंटीक्लाइन की क्रेस्ट को ऑक्यूपाई करता है और सिंक्लाइन की ट्रफ को ऑक्यूपाई करता है ये। नेक्स्ट आते हैं डाइक। डाइक को DYKE से भी लिखा जाता है और DIKE से भी लिखा जाता है, इसके अलग अलग स्पेलिंग्स हैं बट दोनों चीज़ एक ही है। ये टेबुलर और शीट लाइक इग्नियस बॉडी होती है, ये होती है, ये ओरिएंटेड होती है वर्टिकली या स्टीपली इंक्लाइंड होती है प्री एग्जिस्टिंग इंट्रूडेड रॉक्स की। जो पहले की रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनी हुई है, पहले ऑलरेडी बनी हुई है, उसके ये वर्टिकल बनेगी या फिर स्टीपली इंक्लाइंड होगी। जैसे पहले यहाँ पे कोई रॉक बनी हुई है तो इसके ये वर्टिकल बन के खड़ा हो जाएगा या फिर स्टीपली इंक्लाइंड होगा। तो ये ऐसी ही एक और सिमिलर बॉडी बनती है बट वो जो बॉडी होती है वो पैरेलल टू द बेडिंग ऑफ इंक्लोजिंग रॉक्स, वो रॉक्स के पैरेलल होती है। ऐसे ही जैसे ये है इसके ऐसे पैरेलल आगे बनेगी, तो वो जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं सिल्स। सिल क्या होता है, थिन टेबुलर कंकॉर्डेंट बॉडी है इंट्रूडेड अलोंग बेडिंग प्लान्स। बेडिंग प्लान्स के ये क्या होती है, पैरेलल होते हैं सिल्स लाइक दिस। ये हो गए डाइक्स। डाइक्स क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इस रॉक के वर्टिकल बन गए डाइक्स। और जो सिल्स होते हैं ये सिल्स बनते हैं पैरेलल, इस तरह से ये पैरेलल बन रहे हैं सिल्स और डाइक्स वर्टिकली बन रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।